अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ग्लोबल टेक के इस यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद। आपका होस्ट अब्दुल वहाब फिर दोबारा आपके साथ। आज की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने पे बना रहा हूँ। काफ़ी दफ़ा मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है पहले, तो मैंने आज ये डिसाइड किया था कि मैं सबसे पहले यही वीडियो इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर लॉन्च करूँगा, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे इशू मसूल हुआ था, जो कि अक्सर लोगों को ये होता है कि जब वो गूगल के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद जब वो उसको डाउनलोड करते हैं तो वो जेपैग या पीएनजी फॉर्मेट में, यानी कि इमेज के फॉर्मेट में आपको मसूल नहीं होती, वो होती है आपको वेब पेज की फॉर्मेट में, यानी कि उसका नाम जो लिखा होता है एक्सटेंशन के तौर पर WEBP, यानी कि वेब पेज की फॉर्मेट में आपको वो मसूल होती है, जिसको आप लोग कहीं यूज़ तो नहीं कर सकते स्वाय एज ए वेब पेज के। तो उसी इशू को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कौन सी ऐसी वेबसाइट को यूज़ करेंगे जहाँ से आप अपनी इस फाइल को वेब पेज टू PNG या JPEG या किसी भी फॉर्मेट में जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ईजीली ऑनलाइन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कहीं भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इवन के मज़े की बात इसमें यह है कि आपकी प्रोडक्ट की रेजोल्यूशन में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा, उसके पिक्सल नहीं फटेंगे, क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छी मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अपने होस्ट अब्दुल वहाब को इजाज़त दें, फिर दोबारा से एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि ग्लोबल टेक कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ही की वजह से हम लोगों को हौसला मिलता है जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं, आपके क्वेश्चंस के ऊपर जब प्रॉपरली वीडियोस बना के आप लोगों को अपलोड की जाती हैं, वो इसलिए ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके, दूसरों के नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो काइंडली वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मसूल हो सके। अपनी दुआओं में अपने होस्ट अब्दुल वहाब को याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरी से होंगे। चलें जी, अभी हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किसी भी फाइल को जो कि आपको वेब पेज की फॉर्मेट में मिलती है उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो स्टेप वन जो है वो हमारा कि हम लोग पहले वेब पेज वाली फाइल जो है, जो एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं ऊपर इधर गूगल पे ही टाइप करता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन करें तो इधर आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है मैन टी शर्ट के नाम से, ठीक है। मैन टी शर्ट आपने प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर लेनी है। जैसे ही देखिए मैं इसको सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद आपने ये बिल्कुल टॉप पर आपको एक टैब नज़र आ रहा है, इमेज टैब, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ बिल्कुल ऊपर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपके सामने इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे एक पिक्चर है। मैं इसको न्यू विंडो में इंशाल्लाह ओपन करता हूं। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करना है, और कंट्रोल की को जैसे आप होल्ड करेंगे, रिलीज़ नहीं करना आपने, क्लिक माउस लेफ़्ट बटन जो है वो आपने प्रेस कर देना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये विंडो नए टैब पर ओपन हो जाएगी। अब आपने इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड करने का तरीका पहले भी बताया था आप लोगों को कि राइट क्लिक करना है इमेज के ऊपर और सेव इमेज एज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी जो कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के हवाले से। देखिए आप ये बिल्कुल नीचे अगर गौर करेंगे, सेव एज टाइप में लिखा हुआ है WEBP फाइल, यानी कि ये वेब पेज फाइल है, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप में टेस्ट के तौर पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। नाम मैंने फाइल का दे दिया टेस्ट, और उसके अलावा आपने जस्ट आके यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर देना। तो ये आप बस एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपने इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेना, अपने कंप्यूटर की जिस डायरेक्टरी में भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, जहाँ से ये आसानी से आपको मिल सके। तो मैं इधर आके फिर ये सेव का बटन प्रेस कर दूँगा। सेव का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये जाके मेरे डेस्कटॉप में सेव हो गया। अब मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें, ये डेस्कटॉप में एज ए जो है वेब पेज सेव हुई है, एक्सटेंशंस की जो है वेब पेज
डॉट जेपैग में नहीं है, डॉट पीएनजी में नहीं है, ये एज ए वेब पेज है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं दोबारा से क्रोम को ओपन करता हूँ, मैं इधर दोबारा से गूगल सर्च करूँगा, ठीक है। गूगल सर्च आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने गूगल की विंडो ओपन हो जाएगी। इधर आप लोगों ने जो सर्च करना है सेम एज इट इज़ वर्ड से आप लोगों ने ये टाइप करना है कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट लिखने के बाद आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, ये देखिए नीचे ऑप्शन आ भी रही है कन्वर्ट बल्क वेब टू जेपैग, ठीक है। ये ऑप्शन आपने यूज़ करनी है, ये वर्डिंग आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने फ़ौरन एंटर का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे एक लिंक आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम है ilovimg.com के नाम से, ठीक है। इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर आप मल्टीपल जो है वेब पेजेस हैं उनको भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फिर से एक नई विंडो आ गई है। तो यहाँ पे या तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, नहीं तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट इमेजेस का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। मैं इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब मैं ये फाइल जो कि मैंने टेस्ट के नाम से सेव की थी इसको यूज़ करूँगा। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन का बटन आप लोगों ने ये नीचे बॉटम पे है, इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखें लोड हो गई है हमारी फाइल। अब हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए ये आपको बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू जेपैग, इस बटन को आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट प्रेस कर देना है। अब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, अब ये कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया। लें जी, अब आपको इमेज भी कन्वर्ट होके मिल गई है। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये बटन तब प्रेस करना है अगर आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं हुई। अब देखिए मेरी फ़ाइल जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड होगी है, ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होगी और स्क्रीन के ये देखिए डाउनलोडिंग वाले सेक्शन में आपको ये नज़र आ जाएगी। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, मैं जहाँ पर ये सेव हुई है ये देखें, ठीक है। अब आपको दोनों में मैं फ़र्क दिखाता हूँ। मैं अब इस वाली फ़ाइल को जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं ये क्रोम फाइल है, यानी कि वेब पेज में फाइल मौजूद है। अब जब इसको ओपन करूँगा तो ये ब्राउज़र में ओपन होगी, जेपैग के तौर पे विंडो में नहीं ओपन होगी। ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ जी, अभी आप देख सकते हैं कि ये भी आपको ब्राउज़र के ऊपर ओपन नज़र आ रही है, ये ब्राउज़र है बेसिकली, ठीक है। अब मैं इस फाइल को जो कि नीचे है इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये इमेज प्रीव्यू के अंदर ओपन होगी। ये देखें इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें जी, ये इमेज प्रीव्यू के अंदर ओपन हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखें कि इसकी रेजोल्यूशन में ज़रा फ़र्क नहीं आया। आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी की इमेज हमें प्रोवाइड की गई है, इवन कि हम लोगों ने कन्वर्ट भी किया है उसके बावजूद भी आपको ये अच्छी क्वालिटी में पिक्चर मिल गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ग्लोबल टेक के इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, आपके नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह आप लोग क्या करें, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपका होस्ट अब्दुल वहाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।